Hello everyone, I'm Neetu Gal, and today we discuss on Cohen Sutherland line clipping. ये most important and सबसे popular और सबसे पुराना line clipping का model है. तो Cohen Sutherland को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि line clipping क्या होती है. तो सबसे पहले line clipping को discuss करते हैं कि what is the line clipping. तो जो line clipping होती है वो क्या होती है हमारी. Line clipping whether line lie complete inside or outside a window of the test fail, we perform the interaction calculation. तो क्या करते हैं line clipping में हम क्या देखते हैं, जैसे हमारी ये window है, इस window में जो line आएगी हमारी वो inside मतलब कि interact करेगी window के अंदर या बाहर, ये check करने के लिए हमें line clipping की ज़रूरत होती है. तो line clipping में भी क्या है, जो विंडो के अंदर लाई करेगी हमारी लाइंस तो उसको क्या बोला जाएगा, विजिबल. बिटवीन एंड पॉइंट आर इनसाइड द विंडो मींस जो भी एंड पॉइंट दे रखे होंगे कि यहाँ पे और लाइन का एक ये दोनों ही लाई करते होंगे अंदर की साइड तो हम क्या कह सकते हैं, विजिबल है. सेकंड क्या है, नॉट विजिबल जब मेरी विंडो दे रखी है, जैसे ये मेरी विंडो है और जो लाइन पॉइंट मेरे यहाँ पे है बोथ एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या है, विंडो के बाहर है तो उसको बोला जाएगा नॉट विजिबल. और कैंडिडेट फॉर क्लिपिंग मींस क्लिपिंग कब होगी, विजिबल है तो सीधा हम कह सकते हैं कि लाइन जो है अंदर है और आउटसाइड है तो इसका मतलब इनविजिबल है. लेकिन क्लिपिंग की बात कब आती है, जब मेरी लाइन इस तरीके से कुछ अंदर है, पार्शियल इनसाइड पार्शियल आउटसाइड, तो तब क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ ए कैंडिडेट फॉर क्लिपिंग, हमें यहाँ पे क्लिपिंग की नीड है. अब क्लिपिंग कैसे होती है, विंडो के जो पार्ट है वो हमारे इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये मेरा टॉप पोर्शन है, ये मेरा लेफ़्ट है, ये मेरा बॉटम है. तो इस तरीके से मैं क्लिपिंग कर सकती हूँ. तो जो कोहन सदरलैंड क्लिपिंग है वो क्या कहता है कि जब भी हम क्लिपिंग करेंगे तो हमें क्या यूज़ करना है, TBRL क्या होता है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, तो हम क्लिपिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे. इन्हें कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एवरी लाइन एंड पॉइंट इन ए पिक्चर इज असाइन ए फोर डिजिट की ऐसे उसको असाइन की जाती है वैल्यू कार्ड ए रीजन कोड, जिसको क्या बोला जाता है, रीजन कोड. That identify the location of the point related to the boundary of the clipping rectangle. जो clipping rectangle के अंदर जो boundary है region से हम find out करेंगे कि वो window के अंदर है या window से बाहर है. If the both the end point of the line inside the window then accepted means both, जैसे जिसकी value दोनों की ही हमें 0-0 मिल जाती है ending point की value तो हम क्या बोलेंगे, this is the विजिबल और एक्सेप्टिंग, ये लाइन हमारी एक्सेप्टिंग है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. और जो आउटसाइड है मीन्स 0-0 ना आके वैल्यू कोई और वैल्यू आए तो तब क्या बोल सकते हैं, ये आउटसाइड है इसको हम क्लिपिंग नहीं कर सकते, रिजेक्ट कर देंगे. और उसकी क्लिपिंग कैसे होगी अब देख लेते हैं. जैसे मेरे ये विंडो है, ये मेरे पास एक विंडो है, ये इसके पॉइंट है हमें क्या यूज़ करना है, TBRL. TBRL क्या होगा, टी का मतलब टॉप बॉटम राइट लेफ्ट. अब मेरी जो विंडो है वो क्या है, मिड में है, मिड में तो इसका मतलब क्या है, सब पॉइंट क्या है मेरे यहाँ पे 0-0 है. अब इस साइड का एरिया देखूँ तो मैं क्या है, ये सिर्फ मेरा ये ना टॉप पे है मीन्स पहला मेरा क्या है टॉप, ये टॉप पे भी नहीं है 0, फिर बॉटम में है नहीं, फिर क्या मेरा ये राइट में है यस, और जो लेफ़्ट को उसको भी 0 कर देंगे मीन्स जो भी वैल्यू हमें मिलेगी. अब ये मेरा टॉप में भी है और मेरा ये क्या है राइट में भी है और बाकी 0-0. अब ये मेरा क्या है, ना लेफ़्ट में है ना राइट में है और ना ये मेरा बॉटम में है, सिर्फ टॉप में है, तो यहाँ पे मेरी 1 वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद क्या है, ये मेरी जैसे वैल्यू है, ये मेरा क्या है टॉप एरिया तो 1, और क्या है ये मेरा लेफ़्ट एरिया बाकी सारी 0. अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा मिड में है तो टॉप भी 0 होगा, बॉटम भी 0 होगा और राइट क्या होगा मेरा यहाँ पे 0 क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे 1.
अब यहाँ पे क्या है, बॉटम में हूँ मैं, बॉटम और लेफ्ट में, बाकी को जीरो कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्लिपिंग लिख सकते हैं, हमारी वैल्यू को सिर्फ हमने टॉप में बॉटम में इस तरीके से देखना है। इस तरीके से लिख दिया, अब हम क्लिपिंग कैसे करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे मेरे पास इस तरीके की कोई लाइन दे रखी है, मीन्स एक एक्स वाई की वैल्यू मुझे कितनी दे दी, जीरो जीरो, और दूसरी भी वाई एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो जीरो। सबका आंसर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे जीरो जीरो आंसर आया है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये विंडो की क्लिपिंग है। अभी अब जैसे ये वैल्यू आ जाए मेरे कि ये मेरी बार है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आउटसाइड। अब इसका एक एल्गोरिथम होता है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो इसका एल्गो चेक कर लेते हैं कि एल्गो कैसे काम करेगा। इफ़ टू एंडिंग पॉइंट आर जीरो जीरो मीन्स इनसाइड द विंडो लाइन इज विजिबल, उसको सेव कर देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा, इफ़ टू एंडिंग पॉइंट आर नॉट जीरो जीरो मीन्स आउटसाइड द विंडो, देन बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर करने के बाद जो मेरा रिजल्ट जीरो आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जैसे मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, मेरे पास जैसे ये लाइन है, ये मेरी विंडो है और मुझे इस तरीके की कोई लाइन दे रखी है, तो ये मेरे जो पॉइंट आएंगे ये क्या आएंगे मेरे, इसकी मैं क्लिपिंग करके देख लेती हूँ एक बार कि इसकी वैल्यू असाइन करा देते हैं कि इसको क्या क्या वैल्यू होगी। जो मेरा एक्स वाई होगा फर्स्ट, उसकी क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, ये क्या है मेरा सिर्फ राइट में, ना टॉप में ना बॉटम में, टॉप बॉटम बोथ आर द जीरो, सिर्फ मेरा क्या होगा राइट वन, बाकी सारे जीरो। और ये मेरी इनसाइड है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो जीरो। जो मेरी अंदर की एक्स वन एक्स, इसको एक्स वन और इसको एक्स मान लेते हैं। तो इसका एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, एंड ऑपरेटर यूज़ करने पे क्या होगा, जीरो 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 जीरो, ये मेरा आंसर आएगा। मीन्स क्या है, इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, क्लिपिंग कर सकती हूँ, इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर दूँगी और इतनी वैल्यू को मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, जीरो जीरो आई है। अदरवाइज़ मेरी जीरो जीरो ना आए तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको रिजेक्ट कर दूँगी, यहाँ से डिस्कार्ड कर दूंगी कि ये वैल्यू यहाँ पे प्लॉट नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम कोहन सदरलैंड यूज़ करते हैं। तो कोहन सदरलैंड में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हम क्लिपिंग कैसे करते हैं, विजिबल विंडो के अंदर है तो विजिबल, आउटसाइड है तो विजिबल नहीं है। फिर उसकी कैंडिडेट फॉर क्लिपिंग आधा बार मीन्स पार्शियल अंदर पार्शियल आउटसाइड, तो उसकी क्लिपिंग हम कर सकते हैं इस तरीके से।